खैर यहाँ पर फ्रिज की साफ सफाई हो रही है, ये धुलकर इसको पैक करके भी पीछे रखना है। मौसम ठंडा हो गया, इसकी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है और खाम खा इसने इतना ज्यादा बिल खींचा हुआ बिजली का। इसके अलावा देखो बाकी का तो सारा नीचे साफ सुथरा हो गया, ठीक ठाक हो गया। यहाँ पर ये सारा, ये देखो ये भी नीचे ये सारा साफ हुआ, इसको सारा वॉश किया और ऊपर से फिर ये रखा है। ये चेयर्स उठा के यहाँ पर रख दिए कि यहाँ पर आज क्लास लग रही है, यहाँ पर टीचर खड़े होंगे और यहाँ पर सारे बच्चे लाइन से बैठेंगे। यस सर, आज पेज की ओपनिंग, क्लासरूम बना दी। अरे वाह, का मग तो देखो अपना येलो। आपको पता है ये येलो मुस्तफा का था, पता है येलो बहुत प्यारा लग रहा है, कलर अच्छा। ग्रीन दो हमारे थे, एक ग्रीन आपका था, एक मेरा था और येलो मुस्तफा का था। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा का शहजादा एकेडमी से, खैर ये वापस होकर आ चुका है। आज है क्या हमारे लिए स्पेशल दिन है, ये सो रहा था एकेडमी से वापस आके। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्पेशल है हर किसी का, पूरी फैमिली के लिए मुस्तकबिल है ना आगे। हाँ, के लिए स्पेशल है। पता क्या किया इसने, एकेडमी से आकर ये सो रहा था, मैंने कहा ठीक है आप सोए रहो, आप मेरे कभी स्पेशल मोमेंट पे वैसे भी मेरे साथ नहीं होते, तो फौरन खड़ा हो गया। अरे स्पेशल मोमेंट पे बाकी सब आए और मेरी जो खुद की औलाद है वो सोई रहे, फायदा फिर पापा मम्मा कहते हैं, फिर फौरन से उठ गया। जैसे मैंने ये बात की ना, फौरन से उठ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये मिल ही नहीं रहे थे महंगे कलर से। नहीं सच में, तो ये देखो एक हमने ये कलर से महंगे दूसरों से महंगे हैं, सच बता रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं महंगे हैं बाकी। ये वाले बैलून क्यों, क्या फर्क है इन बैलून में? इनमें शाइनिंग है, देखो जरा। हाँ शाइनिंग वाले, नहीं नहीं है, है शाइनिंग वाले हैं, सच बोल रहे हैं। एक ये कलर हो गया, एक ये व्हाइट हो गया, एक डार्क पर्पल हो गया। आज अब हम आपको बता ही देते हैं, ये हमारी थीम आ रही है, हमारे लोगों में ये थीम आ रही है ये कलर्स की। फिर अब क्या करना है कि इन तीनों को फुलाना है। मुस्तफा आपने एक चीज देखी, क्लासरूम बिजनेस सिखाएंगे, बिजनेस की क्लास देने वाली है आज मम्मा यहाँ पर खड़ी होकर। यहाँ पे सारे स्टूडेंट बैठेंगे, अरे मैं इनको पहले नहला लूं, पहले ये नहा लें बच्चे। हलीमा इधर बात सुनो, पता है आज क्या हो रहा है? आज 14 अगस्त थोड़ी है। बताओ आज किस चीज का दिन है, जल्दी जल्दी बताओ। डेली ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, के लिए कोई पता है? आपने जो काम खोले उसकी वो करनी है। क्या वो करनी? क्या जो मैंने काम खोले उसका क्या करना है? पार्टी रखी आपने? पार्टी रखी, हाँ हाँ पता तो है उसको, इतना पता है कि जो काम रखा है ना, काम शुरू किया उसकी पार्टी आज। सही पकड़े हैं, सही एकदम सही पकड़े हैं। आपके सब्सक्राइबर आए थे, केक देके गए फौजिया को, आयत की बर्थडे का, मेरे ओपनिंग के टाइम पे आयत की बर्थडे आई है। अल्लाह ताला रिमाइंड करा रहे हैं कि आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा, यूट्यूब चैनल भी था। ये वाला पहनना है आपको? इन दोनों में से कौन सा पहनूं बताओ, या फिर कोई और बताए? ये वाला तो नहीं पहनना है आपको, वो भी छोटा, ये आयत वाला है आपका वाला है? इसके वाला नहीं, आपको उस टाइम पे मैं ये देने के लिए मैंने रखा था कि मैं किसी को दूंगी, क्योंकि आपको तो नहीं आएगा अभी। ऐसा आयत कभी ठहरा हुआ है? आयत को तो फिर भी आता है, आपको नहीं आता। आज सबके कपड़े वपड़े निकालते हैं, देखते हैं, और ये गए, और ये देखो यहाँ पर भी पूरा फर्श धोकर चमका दिया। ये देखो आज तो जूते उतार के भी यहाँ पर चल रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये साफ सुथरा है। बाकी गाड़ी को हमने अंदर नहीं खड़ा किया, हमने कहा आज ना धोए, तो गाड़ी ना आज पूरा दिन अंदर आई नहीं, बाहर ही खड़ा की है, तो बस एक ही दफा रात को ही खड़ी करेंगे। थक गई हूँ भाग भाग के, आ जाओ मेरा बच्चा, जो कपड़े पहना रही पहना। एक मिनट, सारे कपड़े मैं सबके बना कर देती हूँ, अभी निकालती हूँ। देखो सही से तह नहीं लगा के रख रहे, अब देखो काफी सारे ना इस्त्री करके यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि हैंगर भी हमारे फुल हो चुके हैं। तो आप दोनों का वैसा सेम पड़ा है आयत का भी, अब ये अब तो मौसम भी ठंडा ना, गर्मी नहीं होगी। पिछली बार जब ये आए थे कपड़े उस टाइम पे बहुत गर्मी थी, ये ईद के हैं, तो थोड़ी देर ही पहना था फिर इन्होंने निकाल दिया था। अच्छा आज व्हाइट, वैसे हमारी थीम भी आ रही है ना थोड़ी। बच्चा शीशे में क्या देख रहा है मेरा बच्चा? कपड़े चेंज करते हैं, चलो ठीक है। मम्मा को बोलो ये मैंने नया ड्रेस लिया है, यही पहना है, दोनों ने सेम पहनना है, आ जाओ। दोनों बहनें सेम पहन रही है ना, आ जाओ। क्या पहनना है फिर, क्या पहनना है? तो ये भी तो फ्रॉक है, इतनी ब्यूटीफुल, देखो ये अच्छा लगेगा, क्यों नहीं पसंद?
ये भी दो चार दिन से ना बहुत खराब हो रहा था ना, तो यहाँ पर भी सारा धो करना, अब ये भी कितना अच्छा लग रहा है। तो देखो जब तक मैंने बच्चों को नहला धुला लिया और तब तक ये भी आ गए फाइनली, जिसके लिए इतना इंतजार था और जिसकी वजह से इतना लेट भी हो गया। इसमें छुपा हुआ हमारा लोगो है, बोर्ड है, ये देखो व्हाइट बोर्ड आ गया जिसपे हमारा लोगो है, वहां पर अभी कपड़ा डाल के छुपा देते हैं। गिरा देंगे, कैसे गिराएंगे, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ऊपर कपड़ा डलाओगे बोलेंगे कौन खड़ा है इसके अंदर। इसको हटाएंगे, रिवील करेंगे तो वो एक जो एक्सप्रेशन होगा फैमिली में भी कोई नहीं देखेगा बस। हाँ इधर नहीं, यहाँ सेंटर में नहीं 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 अभी नहीं देखना, सारे एक साथ देखेंगे। देखो इसको मैंने नहला धुला के तैयार करा दिए, बस अभी अभी ये नीचे आई है। जैसे इनके पापा ने हॉर्न दिया ना, तो मैं भाग के पहले नीचे आई हूँ कि मैं जाऊँ और देखूँ कैसा बना है। खैर मैंने तो देख लिया और आप सब अभी बाद में देखोगे। नहीं मैं इस वजह से देख रही थी कि कोई गलती ना उन्होंने कर दियो, जैसा बोला था वैसे ही बनाया ना। बर्थडे की वो भी आ गई पिक्चर, हाँ पूरे एक साल बाद, पता है मंडे को आयत की बर्थडे है, पिछले साल इन्हीं दिनों को ये एल्बम बनने गया था और अब आया। आप दोनों की बर्थडे की, वो जो लॉन्ग बड़ी सी फ्रॉक नहीं पहनी थी पर्पल पहाड़ों पे जो गए थे, अब नहीं दिखाएंगे बाद में, अभी पैक हुआ हुआ तो अच्छा खासा वजनी है। देखो मिल गया फोटोग्राफर के पास, असल में ये पड़ा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ना उसको ना फिर हमें वहां से लेने के लिए। बर्थडे की पिछले साल जो हमने पहाड़ों पे की थी बर्थडे, बहुत जल्दी आई है। आप देखो ठीक है, आप ऐसे छुपा के रखना है। और यहाँ पर ये देखो मेरा बेबी भी आ गया, दुपट्टा तो देखो मुस्तफा कैसे कैरी किया हुआ है। इतनी प्यारी लग रही है मोमा की रानी, देखो दुपट्टा कैसे हाँ ऐसे अच्छा लग रहा था बाप के, तो उसने दुपट्टा देखो कैसे कैरी किया हुआ है। मम्मा का अच्छी लग रही हूँ, और मम्मा का दूसरा स्टाइल मैं करके दिखाती हूँ। हाँ कौन सा स्टाइल होता है बताओ, ये वाला? हाँ खुलेगा, पीछे गिटारे लगा दे। सही, आप टाइट कर देना क्योंकि जब उतारना होगा तो तब ऐसे खींचेगा बोर्ड के साथ। नहीं उस टाइम तो सारा सेटिंग करेंगे, खोल लेंगे। अभी क्या है कि सब में आना है, बच्चों ने आना है, और बच्चे ना इसको मुझे लगता है पहले ही शरारत करके ना खोल के देख लेंगे तो इस वजह से ना पीछे से इसको बांध दिया ताकि किसी को भी फिलहाल ना दिखे। क्या करना है, ये पेंटिंग बोर्ड नहीं आयत। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैर ऐसे हैं। फाइनली आज हम अपना लोगो जो है ना रिवील करने वाले हैं, आप सबके साथ अपनी खुशियां शेयर करने लगे हैं। शुरू से जैसे कि आप सब मेरे साथ रहे हो, आप सबकी दुआओं, आप सबके सपोर्ट की वजह से आज हम इस मकाम तक पहुंचे हैं कि आज हम अपना क्लोथिंग ब्रांड बनाने जा रहे हैं और उसका लोगो आप सबके साथ रिवील करेंगे। आज हमारा पेज जो है वो मतलब आ जाएगा, पब्लिक हो जाएगा आप सबके सामने। आप सबने जरूर उसे फॉलो करना है, जैसे आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया उसी के साथ आपने हमारे क्लोथिंग ब्रांड को भी ऐसा ही प्यार देना है। और आप सबको भी इस दिन का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, डेली मैं आप सबको ये सब सुनाती थी कि आज ओपनिंग है। तो आज हमारे पेज की ओपनिंग है, लोगो रिवील होने वाला है, जो हमारे आर्टिकल है, जो हमारी ड्रेस है वो अभी नहीं होने वाली, आज सिर्फ हमारा पेज होगा। आप सब उसको फॉलो कर लोगे, फिर हम बाद में उस पर अपलोड करेंगे अपने जो भी कपड़े होंगे, जो भी ड्रेस होंगे, वो सब बाद में आप सबको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप सबको फॉलो करना पड़ेगा, जब हमारी ऑडियंस थोड़ी वहां जमा हो जाएगी एक दो दिन में, फिर हम अपने आर्टिकल वहां पर शो कर देंगे और आप सबने देखना है। और जो हमारी थीम है उसमें थोड़ा बहुत कहीं पर्पल आ रहा है, तो मेरे पास पर्पल में यही ड्रेस पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो ये वाला पहन लेती हूँ। बाकी व्हाइट आ रहा है तो बच्चों ने व्हाइट पहन लिया है जी। आपकी बर्थडे में अभी दो दिन रहते हैं। आई पता है आप मम्मा के लिए कितना स्पेशल हो, कितना स्पेशल हो। आप जब इस दुनिया में आई थी आपने मेरा यूट्यूब चैनल खुलवा दिया, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के पास ही हमारे पेज की ओपनिंग हो रही है। वाओ आपकी बर्थडे कल नहीं, आपकी बर्थडे परसों है, मंडे को आए थी बर्थडे। नहीं अभी नहीं है, आज नहीं है सेलिब्रेशन। हमारी वो शॉप है ना जो हमने क्लोथ बनाए अपने, उसकी हो रही है। क्या लिया? मैं ऑर्डर लेके आया हूं नान। अभी दे कर आए हो? मुझे लगा शायद अब लेने गए हुए। नहीं थोड़ी देर तक रेडी करेंगे, तो अभी मैं जा रहा हूं उधर कौसर और इब्राहिम को लेने के लिए। वो रेडी हो गए? हां रेडी हो गए। फोन किया था? फोन कर लिया था मैंने। अच्छा खुशी से आ रहे हैं ना सब? हां खुशी से आ रहे हैं। तो ड्रेसिंग माशाल्लाह आपकी प्यारी है। ड्रेस अच्छा लग रहा है, लोगों के साथ मैच है। हाँ और ये तो देखो बैलून, तो देखो माशाल्लाह से यहाँ पर बच्चों ने मिलके कितने सारे बैलून फुला दिए।
प्यारी लग रही हो। आपकी ड्रेसिंग होगी, बच्चों की ड्रेसिंग होगी, बैलन के साथ मैच होगी। हाँ, असल में क्या था, जो हमारा लोगो था ना, उसके मैचिंग के ना बैलून इतना नहीं मिल रहे थे, लेकिन ये मिल गया वैसे, है ना। चलो मैच हो गया। तो वो दूसरा कहाँ गया, जो लाइट वाला था, लाइट पर्पल वाला, फुला ये पड़ा, ये असल में ना ये वाले है मेरे ख्याल से लोगो में फ्लावर इस रंग के है। और ये हो गया, तो चलो अभी किचन में चलते हैं। अम्मी का रूम भी देखो बिल्कुल साफ सुथरा चमक रहा है, बेडशीट भी चेंज हो गई, नीचे फर्श भी, हर एक चीज। हाँ, तो खैर अम्मी का रूम साफ सुथरा हुआ है, और किचन में भी हमने ना सारी तैयारी वैरी करके रख दी, क्योंकि जब फिर सब आना शुरू हो जाएंगे उसमें फिर हम अपना सेलिब्रेशन करने में बिजी होंगे। तो हर एक चीज जो है ना, बर्तन वर्तन मैंने कहा उस टाइम ना निकाले, हमने सारे बाहर निकाल के धो के, जैसे चाय के लिए वाले कप हो गए, ये कप हो गए, और सालन के लिए, बिरयानी के लिए, सबके लिए प्लेट्स, और ये सारे बाउल भी हर एक चीज वॉश करके ड्राई करके यहाँ पे रख दिया। पानी के ग्लास हो गए, और इस साइड पे भी कुछ प्लेट्स पड़ी हैं, कुछ केक के लिए धो के यहाँ पे रख दिया है। ये देखो अन्नु भी रेडी हो गई, अन्नु के तो मैच हो गए कपड़े, ये तो देखो मेरा सूट मैच हो गया, इसका सूट मैच हो गया, ताइबा तो ऑलरेडी मैचिंग के साथ बैठी हुई है। अभी मुझे याद आ रहा वो रेड वाला कपड़ा, वही इस पर डालते हैं, जो हमने सबसे पहली अपनी किया सोरेंटो गाड़ी ली थी उस पे मैंने रेड कपड़ा डाला था, जो वो काम आने वाला है, वो बरकत वाला कपड़ा है ना, हर जगह काम आ जाता है, वो खुशी वाला कपड़ा है, हर जगह काम आता है। वो मुझे याद है कि इधर ही रखा था जब हमने ये सारा सामान अलग किया था ना, इसमें तो नहीं, लो देखो तो कहीं नहीं रहा, मुझे कहते मैं इधर ही रख के जा रहा, पढ़ा दी क्या मैं नहीं उठा सकती, नहीं तुम्हारा कद मुझसे ज्यादा बड़ा है ना, ऊपर या नीचे, नीचे ये वाला। अच्छा तो तुम यहाँ पे चढ़ गई हो, ये सही किया, मैं इधर चढ़ के खड़ी थी, ये देखो सही किया, चलो इसमें देखते हैं, चलो चलो कपड़ा इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है, मिल गया हमारा रेड वाला, कितनी चीजों पे ना हमारे ना काम आ रहा है, काफी जगहों पे हमारे काम आया, ये देखो एक वाइट दे दो, एक वाइट दे दो, ऐसे ऐसे करते जाओ तो ये देखो खुल गया ना भाई, मुझे यही था कि ये खुल जाएगा, ये यहाँ पे है ना, अच्छा लग रहा है। ब्लैक चादर हम निकाल लेते हैं, कैमरे पे नहीं दिखाना, लाल वाली चादर डाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे जब हम खींचेंगे आगे ये ब्लैक चादर तो ना दिखे ना, तो वो खुशी होगी ना पहले, अब लोग देख लोगे फायदा, फिर असली खुशी होती है एक रियल वाली, किसी को देखने की इजाजत की मेहरबानी कृपया, पीछे तो मिरर है देखे सब दिख रहा है, जब एक साथ सारे देखेंगे ना तब अच्छा लगेगा। वाओ इतने प्यारे लग रहे हैं, वो कहाँ गए तीन बैलून हमारे, ये इसके ऊपर परफेक्ट आ गई, ये ज्यादा प्यारा लग रहा है इसके ऊपर कलर में से, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं इन सबके, कौन आ गया, एक मिनट अभी डोर नहीं खुलना, आ गए लोग आना शुरू हो गए, जल्दी करो टेबल भी ले लो, टेबल देखो उठाओ वहां से, उधर रखो, उधर रखो, शाबाश। आपने चादर कहाँ पर फेंक दी है, चादर कौन सी चादर, ये ब्लैक वाली, ये उठाती हूँ एक मिनट, अगर से गलती से गिर जाए तो क्या हुआ, देखो और कैमरा खोल के ना आंखें यूं कर करके देख रही है कि मुझे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, खैर मुबारक, कैसी हैं, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कैसी हो सारा, ठीक हो, हाथ तो करो सारा को, अभी को ले दूसरे को, हाथ तो करो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, ठीक हो, मुन्ना मुन्ना सदिके, मुन्ना सदिके मेरा बच्चा, किस चीज का निशान है ये,
ये किस चीज का निशान मारा है? नाखून मारा है? अपने आप को मारना शुरू हो गया। कैसे हो? ठीक हो सर? तबियत ठीक है? अपने पापा से मिलता है, पापा से मिलते ज्यादा। आयत पाओ तो दिखाओ अपना। मेरी गोदी में आ जाओ, इट्स ओके, मेरी गोदी में आ जाओ। मैं बड़ी हूँ, नहीं कह रही इब्राहिम भी आ गए। ठीक हो? इंतजार कर करके आप हमेशा आखिर में क्यों आते हो? और ठीक हो? हाँ ठीक है। मुझे किसी ने बताया था कि जहाँ कोई बुलाना थोड़ा लेट जा रहा है, थोड़ा बिजी है। अच्छा, सो रहा था ताकि पतले भी बंदा नहीं करते, सारे आ जाते हैं आखिर में आता है। वो नेट पर देखी थी, पर उसी बात को थोड़ा फॉलो। अच्छा, नेट क्या सीन है? आज वो अभी बोर्ड खड़ा हुआ है सामने, लाल कपड़ा डाला हुआ है। आज ओपनिंग है इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह पेज की ओपनिंग है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कामयाब करेगा। हां वाओ माशाल्लाह, इतनी प्यारी बनकर। कैसे हो? ठीक हो? ये तो देखो चूड़ियां, तो देखो इसकी चूड़ियां दिखाओ जरा, इतनी प्यारी लग रही है। तो पड़ी है, पहन ही लो। ये तो इतनी अच्छी बनकर आई है, सच में प्यारी लग रही है ना? तो सर है ना, सूट कर रही है तुम्हारी, है इसकी, मैंने भी नहीं देखा घर पे। अभी देख रहे हो? मैं खुद अभी देख रहा हूँ। तो अच्छा है ना, हमारे खुशी के मौके पे वो तैयार होकर आई, अच्छी बात है ना? सही है। मुझे तो खुशी होती है तैयार होकर आते हमारे खुशी के मौके पर, अच्छा हुआ है, मेरा बड़ी प्यारी लग रही है। देखा इब्राहिम बैठ सकता है? हाँ, खुद बैठा हुआ, खुद बैठना सीख गए माशाल्लाह। खाना लेकर आ गए हो? चलो कुछ हमारे सामानों को। केक आ गया, चलो शुक्र है केक अभी आ गया। केक हम पहले काट लेते हैं क्योंकि फायजा सिस्टर जा रही है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले केक कट करेंगे या लोगो रिवील करेंगे? पहले लोगो, पहले लोगो, मतलब वो देख लेंगे तभी उसके बाद ही खुशी करेंगे ना। उसके ऊपर रेंट वो डला होता ना, हाँ, पहले गाड़ी रिवील करेंगे ना। हाँ, उसके पहले केक ले जाऊं, पहले केक कट कर रहे हैं। खाने में सबसे पहले ये आ गया, हम सबका फेवरेट मुतंजन आ गया, और ये साथ में कोरमा हो गया, ये बिरयानी हो गई। खुशी के मौके पे जो है ना, ये मुतंजन जरूर होना चाहिए। पहले हम दो डिश कर रहे थे, खाली कोरमा और ये। मैंने इनको कहा नहीं नहीं मुतंजन लेकर आना। आ जाओ बच्चों, सारे जमा हो जाओ, आ जाओ। वो इसको देखो कैसे भाग के आ रही है, कहाँ आई हो? यहाँ से ऊपर खेल रहे थे छुपन छुपाई। तो अभी केक कट का टाइम हो गया है। क्या है आज? मम्मा के साथ कैट कर रहे हैं। अभी देखो सबको जमा करने में इतना टाइम लग रहा है। कराची से लिया था ना? हाँ। मेरे ख्याल में जब न्यू गाड़ी ली थी ना। क्या न्यू गाड़ी? क्या ये सोरेंटो? ये उस टाइम के संभाल के रखे हुए हैं। और ये हर सेलिब्रेशन पे चलते हैं। नहीं नहीं, हर सेलिब्रेशन पे मैं इनको भूल जाते थे, लेकर आओ भूल जाते थे। कहते हैं घर पे पड़े हुए हैं, उठा के दूंगा, कभी उठा के नहीं दिए, आज मिले। आज देखो मिल गए ना, आज अच्छा हो गया। नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, ये वाली पार्टी बम्पर जो है ना किसी ऐसे बंदे के हाथ में देने जो खटास है। नहीं है ये, अक्सर सेलिब्रेशन के टाइम पे ना ऐसे घुमाते रहते हैं। आपके पापा फिर चले गए? नहीं, सबसे पहले पूछ तो ले। फाइजा सिस्टर आपसे पूछना है कि ना, हम अपना क्लोथिंग ब्रांड जैसे शुरू कर रहे हैं, आप मेरे लिए क्या कहेंगी? मैं कहूँगी बेस्ट ऑफ लक, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे पे इंशाल्लाह ड्रेसेस बहुत जबरदस्त होंगे, अच्छे होंगे। हाँ यकीन है। चल कौसर क्या कहेगी? सेम यही कहूँगी। क्या अच्छा चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा। दौड़ेगा भाई? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा, और इतना चलेगा कि ये सर को जाएंगे कि भाई बेचेंगे और क्या करना क्या नहीं करना, ऐसा चलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, और ये ब्रांड इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। मैं भी कहूंगा बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। आप क्या कहोगी? बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा। सेम। इब्राहिम क्या कहेगा? बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, चलेगा। मैं कहूंगी बहुत दौड़ेगा, दौड़ेगा, बहुत दौड़ेगा। चलो राहिला सिस्टर की तरफ मेरा फेस आ जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा। मैं तो दुआई कर सकता हूँ अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, ऐसी खुशियाँ देखते रहो जैसे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इब्राहिम कुछ कहेगा?
मुन्ना क्या कहेगा? लोगों ने दिया, मैं ने भी कहा, ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि सितारा यासीन से ही शुरू करो, अपना नाम है उसके लिए कट कर लेते हैं क्योंकि फायदा सिर्फ को ना लेट हो रहा है, इनकी की तबीयत ठीक नहीं है। बताइएगा आपको कलर थीम सब कैसा लगा और यू आर स्पेशल, ये हमारी टैग लाइन है जो कि हमेशा आगे भी ये रहेगी। और ये रहा हमारा पेज सितारा यासीन ऑफिशियल के नेम से, तो इसको जरूर जाएं और फॉलो करें। और ये रही हमारी, हमारा लोगो रहा। अभी हम आगे केक की तरफ, बाकी आप सब बताएगा आपको थीम कैसी लगी, कलर सब कैसा लगा, ब्रांड के लिए लोगो कैसा लगा जरूर बताएगा। और उसमें जो हमने स्पेशल नीचे दी है टैग लाइन, यू आर स्पेशल, मतलब आप मेरे लिए स्पेशल हो। तो अभी इसको देखते हैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, ये कोशिश तो उन्होंने बहुत अच्छी की है ना, बहुत अच्छी कोशिश की है। मैंने कहा पत्ती इसमें ग्रीन जरूर रखना, और पिंक फ्लावर है हमारे और पर्पल भी है साथ में। तो ये देखो खूबसूरत सा प्यारा सा हमारा केक, क्लोथिंग ब्रांड का सबसे पहला केक हमारा, तो लोगो जैसा बना कर दिए ना। असल में वो कह रहे थे कि सेम वैसे फ्लावर्स नहीं बन पाएंगे, हम अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की है। देखो मतलब देखो हमारा लोगो, मुंह पे कलर लगा के आओ, लोगो जैसा बना है ना, जैसा बना कर दिया है। वाओ, ये लोगो जैसा केक है, किसने बना के दिया? ये जिनसे बनवाए उनसे हाथ लगने है ना, अच्छा लोगो ही बना। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से हो गया है, और मुझे केक इतना प्यारा लग रहा है कि दिल करे काटे ही ना, वैसे इसको देखते रहे है ना, खूबसूरत बना है। यहाँ पे खुले और खुशबू वहाँ तक गई, सारे ऐसे आ रहे थे, कोई बस सुन के आए तो सोचो कितने मजे की बिरयानी होगी। ये देखो नहीं नहीं लड्डू बहुत है, बहुत है, लड्डू की कोई कमी नहीं है। ये लो, तो सुमेरा से जो है ना सबर नहीं हो रहा था, तो जरदा जो है ना तुम पकड़ो। शुक्रिया फायदा सिस्टर, आप आई हैं, टाइम निकाला है आपने मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा। इनको सबको खिलाएगा, अम्मी की तबियत बैठी है, फिर हॉस्पिटल चेक करेगा, अम्मी को देखने आऊंगा। ओके बाय बाय सारा, फिर मिलेंगे, मैं ले आऊंगी, आयत को ले आऊंगी आपसे मिलवाने के लिए, ठीक है? पूरा दिन खेलना। हो गई है, सारे पर्पल हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, मजा भी बहुत आया। हाँ मजा भी बहुत आया, सबके साथ एंजॉय किया, सब खाने में बैठे हैं। अच्छा है सब, चाचू अच्छा है खाना, नंबर बाकी साइड पर बैठी है। कौसर कैसा है खाना, ठीक है, मजे का है? हाँ इब्राहिम, आपको क्यों अच्छा लगा? आप रोटी अच्छी लगती है, रोटी खाना सीख गया मुन्ना था ना, हाँ ना, बिस्मिल्लाह, हंसता रहता है हर टाइम, हंसता रहता है। तो मैं बैठ गई हूँ अपने लोगों के साथ, यहाँ पे नीचे बैठ के खाना खाते हैं, मैं सबको ऑफर दे रही हूँ, कोई यहाँ पे नीचे बैठ के खाना खाना चाहता है तो आ सकते हो।
अगर ऊपर कंफर्टेबल नहीं हो तो। असल में मैं थकी हुई थी ना कब से खड़े होकर, तो मैंने कहा नीचे बैठ के खाती हूँ, है ना। पिछली बार इलाके से कभी लगाया तो उड़ गया था, उड़ गया था फूल कहीं ये कहीं सामने से। हां भाई बेहतर है मुंह से चुपा है। अल्हम्दुलिल्लाह से खाना वाना हम सबने खा लिया और उसके बाद चाय भी पी लिया। बाकी जो हमारे वर्कर हैं जो पीछे हमारा ये सारा काम संभाल रहे हैं, वहाँ पर भी हमने खाना भिजवा दिए, उनको भी खाना पहुँच गया है। और अब देखो बांटने का टाइम आ गया है। ये हो गया साथ में जर्दी के डब्बे हो गए, ये सारे बॉक्स हो गए मुझे पकड़ा था। और केक भी तो सच में कितना जर्दा खाने के बाद किसी ने केक लिया ही नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा उस टाइम जो काटा है बच्चों ने। नहीं मोहल्ले में नहीं आपका है, असल में आपके घर फैमिली है ना ज्यादा। ये मतलब एक मीर का एक हम का तो वो फैमिली है ना पूरी आपकी, मैंने कहा उसको दे दूंगी कौसर तो फिर जब जाएगी उसको मैं साथ में दे दूंगी। ये नहीं वाले भाई हमने देने ही नहीं किसी को, ये आपने फातिमा को दे देना साथ में, ये भी हमारा ही पूरा हो गया। अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया। सितारा यासीन ऑफिशियल को अपने लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वहाँ से कपड़े खरीदो, कपड़े भी खरीदो। असल जो चीजें कपड़े खरीदो, पहला ऑर्डर तो आपके पास आ गया, पहला ऑर्डर आ गया। अगर कोई कोई इस्लामाबाद से पहला ऑर्डर करेगा ना तो सितारा तुम उसको देने खुद जाना पहला ऑर्डर। अगर कोई इस्लामाबाद से सितारा पहला ऑर्डर हो चुका है, इस्लामाबाद से नहीं। हाँ ये मैंने सोचा है कि ना महीने में ना दो तीन दफा ना ऑर्डर करेंगे, दूसरा ऑर्डर करेंगे बाबर भाई। लेकिन एक दो सूट तो मैं लूंगा, ये बात कन्फर्म, भले 20,000 का हो 50 का हो दो तो लूंगा। क्योंकि जब मेरी शॉप ओपन हुई थी ना, ये खाम का मेरे पास खाने थे ताकि ये दिल छोड़ा ना करे कि भाई इसका काम चल रहा है। नहीं हम तो जाते थे, ये बार बार आए हफ्ते में दो तीन जगह लगा देते कि भाई दिल छोड़ ना करे। हाँ हफ्ते में दो तीन सूर पकड़े नहीं, वो तो खाने की चीज। नहीं साजिद कह रहे कि ना मैं अपनी दोनों बीवियों को ना इसी ब्रांड के कपड़े पहनाऊंगा। इनको 50,000 का आपसे पहले सूट लेंगे इनके लिए, जो सूट लेगा बिरयानी का डब्बा भी साथ में लेगा, जो सूट लेगा एक एक किलो सोना भी देंगे उसको, एक बिरयानी। पहले हम लोग ना किस्मत बदल जाएगी देखते वो। लेकिन वैसे एक बात है, सितारा यासीन से आउटलेट से जो सूट लेगा वाकई उसकी किस्मत बदल जाएगी, जो पहनेगा वाकई उसकी किस्मत बदल जाएगी। देना के इसको पहने के बाद में जिंदगी सवर गई, पहले मैं बेरोजगार था, अभी मेरी रोजी जिस दिन आप हमसे एक सूट लेंगे आपकी जिंदगी सवर जाएगी। इस सूट को लेने के बाद आपके सब रुके हुए काम चल पड़ेंगे, यहाँ से सूट लेने के बाद आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे, खुशी खुशी आ जाएगी। और यहाँ से जो कहता ना कुछ अलग चीज हमने डाली है, जो धागे हैं वो गोल्ड के डाले हैं, तो आपने जरूर लेने हैं। वो नसीब वाले बटन होंगे वो सिल्वर के लगाए हैं, वो मिलेगा नसीब वाले को। पांच ड्रेस डाले हैं, शायद किसी का नसीब निकलेगा उसमें से, जिसके सोने के बटन डाले हैं। सोने के तारों की। बहुत बहुत शुक्रिया राहिला सिस्टर आपका आने का, और आप सबने दुआएं दी हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया कौसर का कि कौसर आइए है, मुन्ना आइए, मुन्ना दुआएं देने आया था। हाँ दुआएं करना, हमारा ब्रांड बहुत आगे जाए, है ना। बाय 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 बाय, चलो ठीक है। तो चलो पूरा घर अभी हमारा खाली हो चुका है, सब अभी जा चुके हैं और बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह सब हो चुका है। तो चलो अभी हम थोड़ा सा आपको बता दें अपने पेज से कि हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, जो कि यहाँ पे नीचे भी मैंने ये चीज डाली है। ये खूबसूरत सा प्यारा सा लोगो हो गया हमारा, और ये देखो कि ये नीचे ये देखो ये वाली टैग लाइन हमारी यू आर स्पेशल, ये अभी से रहेगी और हमेशा हमारे साथ रहेगी। मतलब कि ना ये वाली मैंने इस वजह से डलवाई कि कल को जैसे हम कहीं बाहर अपनी शॉप ओपन करते हैं, कहीं बाहर हम अपनी शॉप खोलते हैं, अभी तो हमारा ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो रहा है, तो वहां पर जो हमारे आपने देखे ब्रांड के जो प्यारे प्यारे से बैग होते हैं और उसमें कपड़े डाल कर दे रहे होते, इतना अच्छा लग रहा होता है उनको देख के। तो व्हाइट हमारा इस तरीके से बैग होगा और उस पर ये टैग लाइन होगी, ये लोगो होगा और ये होगा यू आर स्पेशल।
और यू आर स्पेशल, मतलब आप सब मेरे लिए स्पेशल हो और मैं आप सबके लिए ये कपड़े डिजाइन कर रही हूँ, बना रही हूँ, बिकॉज यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। तो बड़ा अच्छा लगता है, किसी को गिफ्ट भी जाता है तो बड़ा प्यारा लगता है, यू आर स्पेशल। ये सितारा यासीन के नाम से क्लोथिंग ब्रांड हो गया, इसके नीचे यू आर स्पेशल हमारी टैगलाइन हो गई, और ये हो गई हमारी यूजर आईडी। इससे आपने सर्च करना है और आप हमारे पेज पे जाओगे जो कि हमारा क्लोथिंग ब्रांड का पेज है, और बहुत इजी रहेगा सबको सर्च करने में भी सितारा यासीन ऑफिशियल। ऐसे आप सीधा जा सकते हो, वैसे मैं आपको लिंक देने वाली हूँ, आपने इंस्टाग्राम पे जाना है और सितारा यासीन ऑफिशियल को फॉलो करना है। इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि जैसे हमने जैसे मेरे नाम से बहुत सारे फेक पेज भी बने हुए हैं सितारा यासीन के नाम से, और मुझे ये भी पता है कि जैसे हमने क्लोथिंग ब्रांड का ये बनाया तो मैं जैसे वीडियो पब्लिक करूंगी काफ़ी सारे आपको फेक भी मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रही हूँ, आप लिंक से डायरेक्ट जाइएगा और उसी ही फॉलो करिएगा जो एक हमारा रियल पेज है। इसका व्लॉग भी मैं एंड करती हूँ, आप सब बताना आप सबको कैसा लगा, ये था जिसका इंतजार था कब से, और बस जाओ जल्दी जल्दी से फॉलो करो इसको और ढेर सारा प्यार दिखाना आप सितारा यासीन ऑफिशियल पेज पे। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को भी मैं एंड करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाकर आप फॉलो कर लें, या डायरेक्ट सितारा यासीन ऑफिशियल पेज पे भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सितारा यासीन, वहाँ पे भी मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से भी आपने जाकर हमारे रियल अकाउंट को ही फॉलो करना है। मैं मिलूंगी कल आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। ये क्या बना मेरा बेबी।